हम तो 5-स्टार होटल नहीं 7-स्टार होटलों में भी जाते हैं कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार ने खून पसीने से हमको इस तरह का योग्य बनाया है। आप रोक सके तो रोक लो हमें 7-स्टार होटलों से, आप छोड़ो 7-स्टार होटल में भी जाते थे और जाएंगे। आपके अंदर अगर ताकत हो तो रोक लो, क्योंकि उस होटल के अंदर जाने के लिए सिर्फ किसी की जरूरत है तो आर्थिक ताकत की जरूरत है। अगर जेब में पैसा होगा तो 7-स्टार होटल में ही जाएंगे, आपके मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे नौजवानों को क्या दिखा रहे हैं? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी है? सिर्फ 8 लाख। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ 21 लाख। 1% सरकारी नौकरी है, उसमें भी वैकेंसी है। राजस्थान के बाहर के लोगों की भी यहाँ है, यह सच्चाई हम हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए, छात्रों को क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा बहुत कुछ दुनिया के अंदर 99% के लिए बहुत कुछ है। आप योग्य बनो, बैठ जाओ। आपके कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या? प्लीज, स्प्रिंग लगी हुई है। पहला, सभापति महोदय, इन कॉलेज और विश्वविद्यालयों के हालात क्या हुई हुई है? आप खुद शिक्षक रहे हुए हो, आप हमारी प्रतिनिधि विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी कार्य कर चुके हो। उस वक्त के कॉलेज और विश्वविद्यालय और आज के कॉलेज और विश्वविद्यालय, क्या ये कॉलेज और विश्वविद्यालय ये लक्ष्य ग्रह है? मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, लक्ष्य ग्रह है। चंद छात्र उनमें से बच जाते हैं, वरना आज उन प्रतिभाओं की हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉलेज और विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री लेने के स्थान नहीं है, सिर्फ उन किताबें पढ़ने के लिए नहीं है जो शैक्षणिक हम लोग वहां सिलेबस दे रहे हैं, उनके लिए ये कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं है। राजस्थान के ने ईमानदारी से कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं? 95% कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो उनका मूल कार्य है वो नहीं हो रहा है। कितना रिसर्च का कार्य हो रहा है? आज बच्चे नहीं पढ़कर खुश हो रहे हैं, हद तो जब हो जाती है। ये प्राइवेट कॉलेजेस बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी पैसे ले रहे हैं, और हम सबको पता है हमारे सबके विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का शोषण हो रहा है। पर हम लोग अगर इस बात की चिंता जाहिर कर इस बात की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस राज्य की वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, सवाल ये खड़ा होता है कि बजट होता क्या है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता कि 3 घंटों के अंदर जो उन्होंने वाचन किया उसमें बजट का समय कितना दिया और दूसरे बातों में समय कितना दिया। ये बजट का अधिकार हमको संविधान की आर्टिकल 202 से मिलता है और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन या सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए राज्य के अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखाएंगे, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये सदन में हुआ? नहीं हुआ। बड़ा दुखदायी है अगर ये हुआ है। कोई भी इसको अगर अध्ययन कर ले, अध्ययन नहीं किया वो तो कह ले 25% ये हुआ और 75% समय दूसरे बातों में इस प्रदेश का व्यर्थ किया गया। ये नीतियां के घोषणे का वक्त नहीं होता है बजट का, ये जो बातें करने का वक्त नहीं होता। राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर आप आने वाले समय की अपनी रूपरेखा रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर हो रही है, पर इस सदन के अंदर भी ये महसूस किया जा रहा है। ये सरकार है क्या? ये सरकार कैबिनेट है। जब मैं मंत्री था, जब कोई बात करता सरकार क्या, तो मैं स्वीकार करता था मैं सरकार। पर मुझे सदन के अंदर ये बड़े दुख से कह रहा हूं कि हमारे खुद के कैबिनेट के सदस्यों को भी ये महसूस नहीं कर रहे। भजन लाल सरकार नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है, कैबिनेट की जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री
आप कैबिनेट मंत्री नहीं हो, ये झुंझुलाट पड़ोसी के नाते मेरे को भी आपकी महसूस हो रही। पर जो ये कैबिनेट मंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री होते हैं, ये बजट किसके लिए था? राजस्थान के लिए था, किसान के लिए था, गरीब के लिए था, किसके लिए था? 3 घंटे जब हम लोगों ने सुना तो ये महसूस हुआ। बोलने दिए नहीं, आप बोलिए, आपकी इच्छा जितना बोलिए, चिल्लाओ, बोलो, टोको, रोको। आप अपना कंट्री, इस लोकतंत्र के अंदर हम लोगों को अधिकार दिया है, हम हमारी बात रखेंगे और आपकी बात रोकने टोकने से विचलित नहीं होंगे। ये महलों और किलों के लिए, ये पूर्व राजा महाराजाओं के लिए और पूंजीपतियों का बजट था। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बजट के अंदर जो तमाम घोषणा हुई है, आम लोगों के लिए क्या हुई है, किसान के लिए क्या हुआ, गांव के लिए क्या हुई है, पूरे देश और दुनिया जानती है, प्रदेश भी महसूस कर रही है। आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको तो यही बोलना पड़ेगा। ये नकारात्मक इस बजट के अंदर, इस प्रदेश नकारात्मक से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अध्यक्ष महोदय, हद तो जब होती है शुरुआत ही नकारात्मकता से। जो पहला शुरुआत हुई उस नकारात्मकता, क्या विरासत में दी गई गलत नीति और कमजोर वित्तीय स्थिति। विरासत को एक तरफ तो अपनी विरासत को कि महिमा मंडल अपनी विरासत के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कराने का घोषणा इसी के अंदर वित्त मंत्री कर रही है, और ये लोकतांत्रिक जो संविधान के माध्यम से जो विरासत मिली है उसके लिए इस तरह के नकारात्मक शब्द, ये देश के लिए ही नहीं प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक चीज है। इसको महसूस करो, बड़ी मुश्किल से संविधान के माध्यम से हम लोगों को हक और अधिकार मिला है सबको बराबरी का। अब कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, वो तमाम विरासतों को कुचल दिया गया जिस दिन ये संविधान इस देश को अंदर हम लोगों को मिला। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इस सोच को बदलना चाहिए। इस सोच को वापस यहां पूर्ण स्थापना करने की इजाजत ये लोकतंत्र नहीं देता, नहीं देता। और तो और, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में घटित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए पेपर लीक जैसे कर ये चीज बजट करी। क्या ये बजट के अंदर करने की चीज थी? ये पेपर लीक के संदर्भ के अंदर जो बातें हुई, ये अमृतकाल की बात हुई। ये बजट सिर्फ एक वर्ष के लिए है, ये महसूस नहीं करो। ये चढ़ना उतरना, किसी का पद पर रहना नहीं रहना, आपको पूरे 5 वर्ष दिए गए हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मोदी की ट्रेनिंग लिए हुए नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या करने की सोच रखते हैं। आप आराम से पूरे 5 वर्षों के अंदर अपना काम करो, हम टीकाराम जी जूली के नेतृत्व में अपनी विपक्षी भूमिका निभाएंगे। ये अमृत कालखंड विकसित, टीकाराम जी जूली साहब ने क्या कहा उन्होंने बजट के बारे में? आप नीचे बैठो, अगर आपको इजाजत देते हैं तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, आपको सुन लूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको इजाजत दे सकते हैं। ये अमृत कालखंड 350 मिलियन इकोनॉमी 5 वर्षों में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में दर्ज कराना चाह रहा हूं कि जिस दिन 5 वर्ष पूरे होंगे, 350 मिलियन की जो ये नारे, नरेंद्र मोदी जी तो क्या कह रहे हैं, स्लोगन नहीं, वो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की गारंटियां, जो विधानसभा चुनाव के दरमियान आप मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, और जैसे ही लोकसभा का नतीजा निकला है वो मोदी की गारंटी अब बिल्कुल बंद हो गई। मोदी की गारंटी बंद हो गई है, वो मजबूरी भी हम लोगों को समझ में आ रही है कि वो अलोकप्रियता के कारण मोदी की जगह और किसी की गारंटी। क्योंकि सदन में हम लोगों ने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भैरू सिंह जी जिन्होंने स्थापना की, उन भैरू सिंह जी का नाम यहाँ नहीं ले रहे थे क्योंकि उस कुर्सी के प्रति निष्ठा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लेना था उस कुर्सी के माध्यम से ही होता है। तो अब
मोदी जी के जगह और किसी की बात, सम्मान सहित किसान परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों का हक और अधिकार, इस बजट के अंदर वो गला आप लोगों ने घोटा है। ये मैं आने वाले जो मुझे 30 मिनट मिले उसमें आपको बताऊंगा, देश को बताऊंगा। मानव संसाधन विकास, अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन के संदर्भ के अंदर हमने हमारा खुद के प्रदेश के मानव संसाधन की क्या स्थिति कर दी है। हमारे मानव संसाधन कम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं या नहीं घटा पा रहे, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा संस्कार की संस्था है या नहीं है? अगर ईमानदारी से कोई ये प्रश्न अपने आप से करेगा तो उसका उत्तर मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं। और ये दोषारोपण नहीं कि कल मैं ये महसूस कर रहा था, यहां कई मंत्री ये कह रहे थे कि भाजपा की सरकार, आपके कांग्रेस की सरकार ये लोकतंत्र को भूल रहे हैं। संकट सरकार लगातार सतत चलने वाली सरकारें रहती है, जो भी गलत किया सही किया उसको सुधारने के लिए आप लोगों को राजस्थान की जनता ने अधिकृत किया है। चिराव दोषारोपण से अपने जिम्मेवारी से दूर नहीं रह सकते हो। कई गलतियां की होगी, जब काम करेंगे गलतियां भी होगी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से MBM विश्वविद्यालय की गलती, मैंने उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, और आज भी वो बात मैं दोहरा रहा हूं कि जो विश्वविद्यालय बनाने का गलती की उसको आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप उसको सुधारो, कि दोषारोपण से प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। सभापति महोदय, इन कॉलेज और विश्वविद्यालयों के हालात क्या हुई हुई है? आप खुद शिक्षक रहे हुए हो, आप हमारी प्रतिनिधि विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी कार्य कर चुके हो। उस वक्त के कॉलेज और विश्वविद्यालय और आज के कॉलेज और विश्वविद्यालय, क्या ये कॉलेज और विश्वविद्यालय ये लक्ष्य ग्रह है? मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, लक्ष्य ग्रह है। चंद छात्र उनमें से बच जाते हैं, वरना आज उन प्रतिभाओं की हम लोग क्या कर रहे हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्री लेने के स्थान नहीं है, सिर्फ उन किताबें पढ़ने के लिए नहीं है जो शैक्षणिक हम लोग वहां सिलेबस दे रहे हैं, उनके लिए ये कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं है। राजस्थान के ईमानदारी से कितने कॉलेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं? 95% कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो उनका मूल कार्य है वो नहीं हो रहा है। कितना रिसर्च का कार्य हो रहा है? आज बच्चे नहीं पढ़कर खुश हो रहे हैं, हद तो जब हो जाती है। ये प्राइवेट कॉलेजेस बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी पैसे ले रहे हैं, और हम सबको पता है हमारे सबके विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का शोषण हो रहा है। पर हम लोग अगर इस बात की चिंता जाहिर कर इस बात की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस राजस्थान के भविष्य का, राजस्थान को सुधारने की जिम्मेवारी किसको है? सदन की। परिवार को हमने क्या दिखाया है? लगातार हर सरकार इस राजस्थान के नौजवानों के साथ क्या कृत्य कर रही है, उनको क्या दिखाया जा रहा है, क्या स्वप्न भाग दिखाए जा रहे हैं, हकीकत क्यों नहीं बता रहे हैं, ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरे अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि एक सत्र आप इसी के लिए बुलाओ। ये राजस्थान के नौजवान कैसे आगे बढ़ सकता है, शैक्षणिक व्यवस्था कैसे हो सकती है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में कैसे हो सकती है? हम लोग बातें कर रहे हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी पाने के लिए राजस्थान के तमाम परिवार अपने बच्चों को कहां धकेल रहे हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय हमने बंद कर लिया, और उन कोचिंग संस्थाओं के उन लक्ष्य ग्रह के अंदर हम लोग धकेल रहे हैं। ये मैं नहीं, कल हमने गुलाबचंद कटारिया जी का स्वागत करते हुए सभी ने तालियां बजाई, पक्ष और विपक्ष ने तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेता रहते वक्त कई ऐसी बातों करी और स्वीकार भी की। उन्होंने ये बात स्वीकार की कि हम लोगों की सरकार हुई, या हम लोगों के तरफ अंगुली करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हुई। ये पेपर लीक होते क्यों हैं? ये पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते हैं, अभ्यर्थी नहीं करते हैं। ये पेपर लीक के पीछे गुलाबचंद जी कटारिया ने जो बात की उससे मैं भी सहमत हूं, और आप सब सहमत हो,
आपकी मजबूरी है, आप मौन रहोगे कि उनके पीछे कौन है? उनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, गुलाबचंद कटारिया जी से आप पूछ लो, और नहीं तो मेरे पास आकर आप कर लो। आप इतनी गंभीर बात को हल्के से उड़ाओगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। कौन सा वो आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, पर अपन दोषारोपण करने की जगह व्यवस्था कौन परिवर्तित करेगा? हम लोग करेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। कोई एक कोचिंग संस्थाओं को बंद करना या दो कोचिंग संस्थाओं को चलाने से इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। मूल प्रश्न यह कि शैक्षणिक व्यवस्था जो उच्च शैक्षणिक व्यवस्था है कॉलेज और विश्वविद्यालय में, उसमें हम परिवर्तन कर कर कैसे वो मूल स्वरूप उसको करें, और ये परीक्षा के पैटर्न के अंदर हम क्या तब्दीली करें, लंबी चर्चा की आवश्यकता है। सदन पूरा बैठे है, चर्चा करें कि हम लोग किस तरह से ये करें। क्या नीट में क्या हुआ, NEET में क्या हुआ, उन परीक्षा में क्या हुआ? मैं सबको कह रहा हूं, रीट के अंदर क्या हुआ, इसकी जिम्मेवारी उन दोषियों को जेल तक पहुंचाने की आप लोगों की है। बहुत सक्षम अधिकारी लगाया, मैं अभी सदन के अंदर स्वीकार करता हूं जो VK सिंह को लगाया है, पर उनके हाथ नहीं बांध देना, क्योंकि ऐसे सक्षम अधिकारियों के हाथ कोई नहीं बांधता है। हम लोग सदन में बैठे हुए लोग ही उनके हाथ बांधते हैं। अगर उनका हाथ, मैंने कहा था कि उस टाइम CBI में दे दो आप, CBI में दे दो आप, जब आप लोगों ने मतलब CBI में नहीं जाने रोका आपने, ये लाइव पे जा रहा है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार को कि ऐसे अधिकारी को बिठाया, अध्यक्ष महोदय सलाह को पीछे डाल रहे हैं सदस्य, अध्यक्ष महोदय बीच में नहीं, हाँ बोली, ये बहुत चिल्लाता था CBI में देने के लिए, अब CBI में दे दो, आपको कौन रोकता है? पुष्पेंद्र सिंह जी, आपके पास तो अधिकार नहीं है, आप तो मेरे जैसे एक सामान्य विधायक हो, इस कैबिनेट के पास तो है, आप भी इनको गुजारिश कर लो, मैं भी गुजारिश कर लो कि CBI को दे दे। काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो अपन सब लोगों को पता है। तो ये VK सिंह जी के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय हम हमारे नौजवानों को क्या दिखा रहे हैं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। राजस्थान में कितनी सरकारी नौकरी है? सिर्फ 8 लाख। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 8 करोड़ 21 लाख। 1% सरकारी नौकरी है, उसमें भी वैकेंसी जय राजस्थान के बाहर के लोगों की भी यहाँ है। यह सच्चाई हम हमारे प्रदेश के नौजवानों के लिए, छात्रों को क्यों नहीं कहते हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा बहुत कुछ दुनिया के अंदर 99% के लिए बहुत कुछ है। आप योग्य बनो, आप कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, उनके माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हो, सिर्फ सरकारी नौकरी के माध्यम से। ये अपन सपने दिखा रहे हैं वाई लूटने के लिए, ये वाई लूटने की हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी, और जब लूट रहे थे तो पीछे जैसे जीवाराम जी या टेबले थपथपा रहे थे, हम लोग तमाम लोग टेबले थपथपा रहे थे, पर राजस्थान बहुत जागरूक है, राजस्थान का नौजवान बहुत जागरूक है, उन्होंने हमको हमारी जगह दिखा दी। कल आपको हमारी जगह नहीं दिखा दे, इसके लिए भी मैं सावचेत आज ही कर दूँ कि आप उनके साथ इस तरह के सपने बाग नहीं दिखो। और तो और सभापति महोदय, इन सरकारी नौकरियों के अंदर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ होगा, किस वर्ग का होगा? लगातार सरकारें करती आ रही है SC ST OBC, और आप वापस ये अन्याय आप लोग करोगे। आपकी मंशा हम लोग जानते हैं, 6 महीने के अंदर जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि EWS रिजर्वेशन OBC के अंदर नहीं डाल सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आप लोगों ने राजस्थान के अंदर RAS की परीक्षा का परिणाम निकाल दिया। इस खुद के बजट के अंदर और आपने जले हुए पर नमक छिड़की। पहला 85 में आपने क्या लिखा, इसी क्रम में EWS वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा रोजगार बालिकाओं के संबलन एवं परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए। धन्यवाद आपने EWS वर्ग को लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर उसके अगले के अंदर ही 86 के अंदर आपने 15% के लिए तो आपने 150 करोड़, और 85% के लिए कितना,
अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ा विकास निगम, अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी सफाई कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय दिव्यांग जन के जरूरत परिवार को रियायती दर में वो भी क्या ऋण और कितना 100 करोड़, 15% के लिए तो 150 करोड़ और 85% के लिए 100 करोड़। यही कहानी खत्म नहीं होती है, उसी के आगे दूसरे में आपने क्या करा, ईडब्ल्यूएस के लिए और 25% तक ऋण। ये आप लोगों की मंशा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अगर तू प्रचार इस देश में हो रहा है तो आरक्षण के लिए हो रहा है। नौजवान बच्चों के बीच में गलत तत्व के आधार पर जहर भर दिया गया है कि आरक्षण से योग्यता को खा दिया गया है, आरक्षण से आपके हक को खा दिया गया, और हकीकत उसके विपरीत है। कोई भी परीक्षा आज देश के अंदर कोई भी परीक्षा ले लो, आरक्षण के संदर्भ के अंदर आंकड़े देख लो तो आपको हकीकत पता चल जाएगी। देश की सबसे प्रतिष्ठित कोई परीक्षा है तो यूपीएससी की, इसमें तो कोई दोहराई नहीं, ये इसमें भी दोहराई, इसमें भी बीजेपी कांग्रेस आ गई। उस परीक्षा के अंदर भी पिछले 5-6 सालों के अंदर आप आंकड़े निकाल कर देख लो। सभापति महोदय, उन आंकड़ों में आपको साफ अन्याय झलक देगा। मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कहानी अपने आप बयां कर रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ परसेंटेज में रिटर्न में ओबीसी की कट ऑफ पर ज्यादा है, सिर्फ ओबीसी की नहीं एससी एसटी की भी। ये इंटरव्यू में जो खेला हो रहा है वो किस लिए हो रहा है वो भी देश को अगर बताएंगे तो पता चलेगा कि इंटरव्यू से पहले आपका वर्ग उस अभ्यर्थी के सामने अंकित नहीं होता, जैसे ही इंटरव्यू होता है इंटरव्यू के अंदर आपका वर्ग पता चल जाता है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है। इसलिए इंटरव्यू में जानबूझकर, मैं नहीं कह रहा हूं ये आंकड़े कह रहे हैं, इंटरव्यू में जानबूझकर वो नंबर कम दिए जाते जिसके कारण ये स्थिति है। उसके बावजूद भी मैं तमाम आंकड़े, इतना मेरे पास समय नहीं है, एक साल के आंकड़े आपको 2019 के ओबीसी के ईडब्ल्यूएस में क्या है, जो फाइनल लिस्ट थी ईडब्ल्यूएस के अंदर 909 कट ऑफ थी और ओबीसी के अंदर 925। और इसके अंदर भी अगर आप इंटरव्यू और रिटर्न की अगर आप करोगे तो इंटरव्यू के अंदर ओबीसी को कम से कम 10% नंबर कम और एससी के अंदर 898, सिर्फ 3-4%। और एससी को इंटरव्यू में कितना कम मिल रहा है, कम से कम 15-20% और एसटी में कितना 893। ये हालात है, इस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है और सब मिलकर कर रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि इस तरह का अन्याय नौकरियों के अंदर किसी के साथ नहीं करें, इसका प्रयास हम लोग करें। समय कम है वरना इसके संदर्भ में और भी कई आंकड़े में इस सदन में रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि अन्याय करना बंद करो, हक और अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो, इसलिए नहीं कराना चाहता हूं कि ये काज हम लोगों को सबको देखने पड़ जाएगा। आज ये कुप्रचार किया जाता था और बड़े बड़े सिर्फ सियासती फायदा लेने के लिए मूल ओबीसी अति पिछड़े ओबीसी वोट लेने के लिए ये बातें करी जाती थी। उनके साथ जो ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, आज वो लोग जो वोटों के लिए नारे देते थे जहर फैलाते थे वो आज ये लोग ये नहीं बोलेंगे। उसमें मैं कांग्रेस और बीजेपी बात नहीं कर रहा हूं, उस स्कूल के अंदर दोनों पार्टियों के छात्र हैं। सभापति महोदय, जो स्टेट बजट के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए, दुनिया के अंदर कायदा है सबसे पहली प्राथमिकता प्राकृतिक आपदा में मिलनी चाहिए। क्या हमारे बजट के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता स्टेट बजट में प्राकृतिक आपदा के लिए मिली? नहीं। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई लोग, लू बोल लो, गर्मी बोल लो, हीटवेव बोल लो, उनसे उनकी मृत्यु हुई। चलो मेरे प्रति तो आप लोगों की क्या सोच है वो मैं भी महसूस कर रहा हूं इस बजट के अंदर और मेरे अलावा कई आप लोगों की। कालीचरण सराफ जी के प्रति भी आपकी क्या सोच है? वो
वो भी पूरे देश दुनिया देख रही, पर उस एसएमएस अस्पताल के आंकड़े, उस एसएमएस आंकड़े, वो एसएमएस के आंकड़े, उस अस्पताल के आंकड़े के प्रति तो आप कोई दुर्भावना नहीं रखो, आपके खुद की सरकार के आंकड़े हैं। 29/5/24 को कितनी डेड बॉडीज आई होती, 50 सभापति मौत, 30 तारीख को, 30/5/24 को 51, 31/5/24 को 54, ये हालात पूरे के पूरे प्रदेश में थे। 51 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक प्रदेश के अंदर तापमान था। उस लू के कारण हम लोगों के परिवार के कितने लोग खत्म हुए। अपन लोग तो एयर कंडीशन में बैठे हैं, अपन लोगों के पास तो सब व्यवस्था है। हाँ, पक्ष के पास भी अच्छी खासी व्यवस्था है, ना पक्ष के पास भी व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, छाव की व्यवस्था, गर्मी से निजात की व्यवस्था थी, नहीं थी। हजारों लोग इस प्रदेश के अंदर उस लू से खत्म हुए, और हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि सरकार ने उसको प्राकृतिक आपदा भी नहीं महसूस की। मेरा निवेदन है कि उसको प्राकृतिक आपदा महसूस करो, कि लंपी में भी यही हुआ, मोदी मोदी करते गए, और मोदी जी ने लंपी को प्राकृतिक आपदा नहीं मानी। कोविड के अंदर भी क्या चीज हुई, वो भी देश ने महसूस किया। आप कितना ही चिल्लाओ और बोलो, पर जो हकीकत है उसको आप दबा नहीं सकते, हकीकत हकीकत रहेगी, सत्य में जीत। हम तो 5-स्टार होटल नहीं, 7-स्टार होटलों में भी जाते हैं, कि हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे परिवार ने खून पसीने से हमको इस तरह का योग्य बनाया है। आप रोक सके तो रोक लो हमें 7-स्टार होटलों से, आप छोड़ो, 7-स्टार होटल में भी जाते थे और जाएंगे। आपके अंदर अगर ताकत है तो रोक लो, क्योंकि इस होटल के अंदर जाने के लिए सिर्फ किसी की जरूरत है तो आर्थिक ताकत की जरूरत है। अगर जेब में पैसा होगा तो 7-स्टार होटल में ही जाएंगे। आपके मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है, कि वो समय नहीं है, देश आजाद हो चुका है, हमको संविधान के मार्फत से ये योग्यता मिल गई है। एक वक्त था जिस वक्त हमको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, तन पर कपड़ा नहीं मिलता था, छत नहीं मिलती थी, कृपलानी जी आज योग्य हो चुके हैं। तो आप 5-स्टार होटलों की बात छोड़ो, 7-स्टार में, और यहाँ नहीं, दुनिया के किसी होटल में जाएंगे, आप रोक नहीं सकते हो। तो आपको बना करो तो भी रुकेंगे नहीं। ये महलों की बात करने वाले, ये जो महलों की बात करने वाले, महलों की मानसिकता रखने वाले, ये हमारी तकलीफ क्या जानेंगे। आप हजारों करोड़ रुपए आपने इन महलों के लिए दिए, टूरिज्म के नाम से दिए, विरासत के नाम से दिए, किन किन नामों से ये लूट लुकी, और गांव को कुचल रहे हो, किसान को कुचल रहे हो, रिवाज से आवाज को दबाना चाहते हो, आवाज नहीं दबेगी, कितनी भी ताकत लगा दो आवाज नहीं दब सकती है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप विकास नहीं दे सकते हो, विकास पहले बहुत करवा दिया, और हमारे पास ताकत होगी तो और विकास करा देंगे। आप रोक लो, रोकने का अधिकार सिर्फ आपके पास 5 साल तक है, उससे ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है, राजस्थान की जनता के पास है। मैं ये कहने के लिए इसलिए कह रहा हूं, अरे चिल्लाओ और चिल्लाओ, कि चिल्लाने के अलावा आपके पास सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है, तर्क नहीं है, जब अवसर मिलेगा जब आप बात कर लेना, सच्चाई आप लोगों के पास नहीं है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 2 घोषणा मेरे विधानसभा में, 1 घोषणा करी कि बाईतू के अंदर बस स्टैंड, सभापति महोदय चर्चा तो कर लेते, ये अधिकारी कर लेते फाइनेंस वाले, अगर बड़े लोगों के पास समय नहीं है तो, बड़े लोगों के पास तो आप लोगों के लिए भी समय नहीं, पर वहां बाईतू के अंदर कोई सरकारी जमीन 1 इंच भी नहीं है, तो वो स्टेडियम, वो बस स्टैंड कहां बनेंगे? वो तो जन सहयोग से अगर कोई जमीन मुहैया करेंगे, पहले भी अस्पताल बने वो जन सहयोग से बने, वो जमीन की उपलब्धता है या नहीं है? नहीं है। दूसरी एक सामाजिक मना कर ले, आप लोगों से पूछा नहीं है, मना करना होगा तो हम कर लेंगे। ताकत है, ताकत किसकी? लोगों की। ताकत किसकी? अपनी अपनायत की। आपके गरूर को, आपके अहंकार के सामने झुकने वाले नहीं है, लोगों की ताकत है, इसलिए आंख से आंख मिलाकर पूरी ताकत से हम लोग अपनी बात करने के लिए आए हैं। आप दबा नहीं सकते इस बात के लिए। सभापति महोदय जो कुचल रहे हैं, ये गांव में रहने वाले, ये अपने इस पीड़ा को महसूस नहीं कर रहे हैं,
ये थन के नीचे खड़े हैं, इनको लग रहा है उस थन के अंदर से कुछ ना कुछ मिलेगा। पर जिस गांव में ये खुद रह रहे हैं, उस गांव के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय किसी विचारधारा के माध्यम से नहीं, किसी धर्म के माध्यम से नहीं, किसी जाति के माध्यम से नहीं, क्या हो रहा है इन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि सिर्फ तालियां बजा रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे, बधाई ही दे रहे थे। जो पंचायती राज संस्थाओं को, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन को पिछली सरकार 5,000 करोड़ वार्षिक दे रही थी, उसको 1,000 करोड़ कम कर 4,000 करोड़ ही रखा। ये महलों को ताकत देने का जो भुगत कौन रहा है, हम लोग गांव में रहने वाले और ढाणियों में रहने वाले लोग जन रहे हैं। वो तकलीफ है, वो तकलीफ जाहिर यहां कर रहे हैं, आप उसको उस तकलीफ का एहसास नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और लाइन में लगे हुए हो, इसलिए वो तकलीफ आपको एहसास नहीं हो रही है। सभापति महोदय, मोदी मोदी, वो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने बहुत चलाया, विश्व लीडर है या क्या है वो आपको भी पता है। वो जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 1140 करोड़ रुपए पिछली सरकार देती थी, उसको क्या किया, 1,000 करोड़। वो आप लोगों की सरकार ने किया। वो गांव के अंदर स्वच्छता नहीं रहनी चाहिए, इन महलों के अंदर रहनी चाहिए, इन सड़कों के ऊपर रहनी चाहिए, इन महानगरों में रहनी चाहिए। गांव तो अलग है हिंदुस्तान, आप लोग दूसरा एक हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हो। पिछली सरकार ने जिला परिषद के माध्यम से उन गांवों के लिए कितना पैसा दिया, 341 करोड़ रुपए, वो कम कर 316.77%। लोन लोन लोन, या तो इस मोदी जी का नाम लेना छोड़ दो। किसने कहा, किसने कहा लोन लेने के लिए, प्रदेश को लोन लेने के लिए? सभापति महोदय, किसने कहा? भारत सरकार ने कोविड के वक्त का, भारत सरकार की नाकामी थी आर्थिक तौर पर कोविड के अंदर, जब वित्तीय संकट के अंदर थी, भारत सरकार ने एक पैसा भी सहयोग नहीं करा, एक पैसा सहयोग नहीं किया, और सिर्फ ये बात करी कि आप लोन उठाओ। अरे जी बिराजो, नहीं वो आप हमारे खुद के, हमारे नेता से पूछ लो, हमारा समय है, हमारे हमारे नेता से पूछ लो, हमारे समय से ज्यादा समय नहीं लेंगे, पूरा 30 मिनट हुआ, ये अपना आप देंगे। सभापति महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को विवश किया लोन उठाने के लिए, कोविड के वक्त में, कोविड के वक्त के अंदर मदद के लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और विवश किया राजस्थान को, राजस्थान के लोगों को, कि वो लोन लिया जाए। ये सच्चाई है, नहीं पता तो कुछ पढ़ लो, सिर्फ नारों से नहीं होगा। सभापति महोदय, ये महलों के लिए और पूंजीपतियों के लिए ये खेला क्या हो रहा है? 156 महल, 156 पैरा के अंदर आप देखो, कैप्टिव पावर प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देने के लिए, मैं उपक्रम हेतु उपयोग की गई ऊर्जा के ऑक्सिलरी पावर पर इलेक्ट्रिक ड्यूटी समाप्त करता हूं, और जो बचा हुआ है वो 10% में सेटल करना। कितने सैकड़ों करोड़, हजार करोड़ का यह खेला हुआ, जवाब देते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रदेश को बताई। सभापति महोदय, इससे ज्यादा क्रूर मजाक 175 पैरा में की गई। अब बिराजब जो रुको के, हमारा खुद का समय है, सभापति महोदय 3-3 घंटे उनको दिए हैं, तो जवाब भी सुनना, हमारे समय से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। नहीं, कुर्सी से हमारे नेता से पूछ लो, आप हमारे नेता से पूछ लो, अगर इजाजत हमारे सामने दे रहे हैं। 30 मिनट का समय दिया गया, 35 मिनट हो गए। तो रीको के अंदर आपने क्या करा? रीको हमारे किसान की जमीन को हड़पा, हमारे किसान को, नो प्रॉफिट संगठन है रीको, वो हड़प कर आज उद्योग के नाम पर हड़प कर आज उन्हीं उद्योगपति को इजाजत दे रहे हैं कि वहाँ कॉमर्शियल तौर के ऊपर या वहाँ रेजिडेंशियल तौर के ऊपर, क्या उस किसान की जमीन के ऊपर जो सरकार के माध्यम से रिको ने हड़पा है, क्या किसान का हक और अधिकार नहीं है? ये पूंजी, ये अभी आपकी पॉलिसी है, 5 साल के अंदर ये नहीं थी, अभी आपकी ये पॉलिसी है। अंत में मैं सभापति महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ये सुने, गांव की सुने, ढाणियों की सुने, तो अंत में मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ। 200 तक की आबादी, ये मूल कार्य तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना का था, वो पिछले 5 साल में केंद्र सरकार विफल रही,
राजस्थान सरकार ने 250 तक की आबादी के गांव जोड़े। मेरा निवेदन है सरकार से कि जो वंचित है 200 तक की आबादी की सड़कें, उन ढाणियों को भी हक और अधिकार है। हजारों करोड़ धन्यवाद भी देता हूं जो सड़कों में राजस्थान में काम हुआ है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़कों के अंदर अच्छा काम हुआ, ऐसी बात ही नहीं, हर चीज में कमी। दूसरी, जो बिजली के कनेक्शन, जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, उन डोमेस्टिक कनेक्शन के अंदर जो योजना स्वीकृत है उनके मटेरियल सप्लाई कर वो कलर। अंत में जो जेजम के बारे में बोल रहे हैं, जेजम के अंदर जिसको लटकाना लटकाओ, सबको लटकाना लटकाओ, पर सबको लटकाओ जो भी चोर है। जेजम की जितनी भी आपको इंक्वायरी करनी करो, जेजम के अंदर 2-3 जो बातें हैं, मूल बातें हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। करो तो करो, नहीं करो नहीं करो। पहली बात, आप बैठ जाओ, आपके कोई स्प्रिंग लगी हुई है क्या? प्लीज, स्प्रिंग लगी हुई है। पहला कि जो स्कीम के अंदर कोई टूटिया है तो वो टूटिया में जो सर्वे किया हुआ उसमें आप टूटिया। दूसरी, जो सोर्स के अंदर जबरदस्त कमी है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बन रहा है, सोर्स के अंदर कमी है, वो सोर्स को हम लोग कमी कैसे दूर कर सकते। उदाहरण के तौर पर जोगाराम जी, जो आपकी IGNP से जोधपुर के अंदर जो स्कीम है उसका थर्ड फेज स्वीकृत हो चुका है, उस थर्ड फेज जल्दी से जल्दी पहुँचाएं या उससे भी अपना नहीं होगा। भविष्य के अंदर IGNP के समानांतर अपन एक दूसरी नहर की जमीन तो एक्वायर की हुई है, अब अपने पास संसाधन वो पूरी की पूरी इंदिरा गांधी नहर से अगर समानांतर नहर नहीं लेकर आएंगे तो ये पूरी की पूरी स्कीमें अपन लोगों की फेल हो जाएगी। और जो बाड़मेर में मोहनगढ़ से बाड़मेर की जो स्कीम आ रही है उसके अंदर भी डिक्की स्वीकृत कर दी गई क्लोजर के वक्त में पानी को स्टोरेज के लिए, वो काम भी बहुत धीमा चल रहा है। बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण 9 पंप में से सिर्फ 1 या 2 चल रहे हैं। तो सोर्स नहीं होगा तो सिर्फ आप नारेबाजी कर सकोगे, दोषारोपण कर सकोगे, और ढाणियों में रहने वाले लोग भी उतने ही अधिकार रखते हैं जितना आपने उन पूंजीपतियां राजा महाराजाओं के परिवार के लिए जो आपने किया है। देखो, राज राजस्थान के लोगों का रहा है, ये आपकी सामंती सोच है, आपने भेदभाव किया सर, राजस्थान के लोगों का राज है, मिशन में संविधान ने अधिकार दिया, राजस्थान के लोगों का किया, अरे अपनी सामंती सोच भेदभाव किया जल जीवन मिशन में, हमारा है नहीं, राज हमारा था, राज राजस्थान की सदस्य जनता का था, राज राजस्थान की जनता का है, और जब तक संविधान रहेगा, कनेक्शन में भेदभाव किया, पांच साल को कनेक्शन में भेदभाव किया, संविधान संविधान सभापति जी को बोलने दो, 5 साल तक दबे हुए थे, 5 साल तक दबे हुए थे, कैलाश चंद्र वर्मा जीवन मिशन में भेदभाव किया गया, सभापति महोदय कैलाश चंद्र वर्मा आओ राम जी, बिराजो बिराजो, अरे अभ्या सदस्य बोल रहे हैं, और जी एक बार एक एक मिनट बोल, आप डिस्टर्बेंस करो प्लीज 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 बिराजिए प्लीज, 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 प्लीज।